जब वेल्डिंग जो है हमारा सॉलिडिफाई हो रहा होता है, मोल्टेन वेल्ड फूल से सॉलिड स्टेज में जा रहा होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है, उसी समय वो क्रैक जनरेट होता है, उसे हम सॉलिडिफिकेशन क्रैकिंग बोलते हैं। ये हाइड्रोजन क्रैकिंग से बिल्कुल अलग है, यहाँ हाइड्रोजन क्रैकिंग का कोई खेल नहीं है, यहाँ सॉलिडिफिकेशन और इम्प्यूरिटी का खेल है। इम्प्यूरिटी का खेल कैसे है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, एक टर्म मैं आपको समझा देता हूँ, हॉट शॉर्टनेस। देखिए हॉट शॉर्टनेस एक टर्म होता है और इसका मतलब होता है कोई अगर मटेरियल गर्म होने पे अपनी डक्टिलिटी खो दे, मतलब गर्म होने पे वो ब्रिटल हो जाए या अपनी डक्टिलिटी खो दे, तो उसे हम हॉट शॉर्टनेस कहते हैं। या किसी मटेरियल के अंदर कोई ऐसी इम्प्यूरिटी आ जाए जो कि उस मटेरियल को गर्म होने पे उसकी डक्टिलिटी को खत्म कर दे, तो हम बोलेंगे वो मटेरियल उस मटेरियल ने पर्टिकुलर उस इम्प्यूरिटी ने उस मटेरियल को पर्टिकुलर हॉट शॉर्ट कर दिया। तो देखिए जैसे एक मटेरियल होता है सल्फर, सल्फर अगर स्टील में आ जाता है, सल्फर का क्या मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, स्टील से काफी कम होता है, तो सल्फर अगर वेल्डिंग में आ जाता है तो वेल्डिंग जो स्टील है वो तो सॉलिडिफाई हो जाएगा, लेकिन सल्फर जो सॉलिडिफाई नहीं होकर लिक्विड ही रह जाएगा, तो वहां से क्रैक जनरेट हो जाता है। अभी मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा फोटो के दौरान। पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसका अलग अलग नाम है वो समझ लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज हॉट क्रैकिंग, सेंटर लाइन क्रैकिंग और क्रेटर क्रैकिंग। तो इसको हॉट क्रैकिंग, सेंटर लाइन क्रैकिंग और क्रेटर क्रैकिंग भी कहते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक और इसके ओरिएंटेशन के हिसाब से। देखिए हॉट क्रैकिंग तो ये है ही, अकर एट हाई टेम्परेचर, मतलब जब हमारा वेल्डपूल मोल्टेन स्टेज में होता है, सॉलिडिफिकेशन हो रहा होता है, तभी ये क्रैक हो जाता है, इसलिए हम इसे हॉट क्रैक बोलते हैं। दूसरा है सेंटर लाइन क्रैक, डाउन द सेंटर लाइन ऑफ द वेल्ड बिट। और तीसरा है क्रेटर क्रैकिंग, स्मॉल क्रैक्स इन वेल्ड क्रेटर्स आर सॉलिडिफिकेशन। जो क्रेटर बनते हैं, वेल्डिंग स्टार्ट और वेल्डिंग जहाँ एंड होता है वहाँ पे छोटे क्रैक बनते हैं, वो क्रेटर क्रैकिंग है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको चैप्टर 3 में भी बताई है, तो वहाँ से वो टर्म्स आप समझ सकते हैं। फिलहाल हम इसके मैकेनिज्म को थोड़ा समझेंगे, लेकिन ये देखते हैं। सॉलिडिफिकेशन क्रैकिंग कैन अकर व्हेन द फॉलोइंग 3 कंडीशन विल एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। इसमें भी देखिए तीन कंडीशन है और ये तीनों कंडीशन अगर सेम टाइम पे एग्जिस्ट होगा तो ही सॉलिडिफिकेशन क्रैकिंग होगा। पहला क्या कंडीशन है कि वेल्ड मेटल जो है उसका केमिकल कंपोजिशन ससेप्टेबल है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन ससेप्टेबल होने का मतलब मैंने बता दिया, उसमें अगर कोई ऐसी इंप्योरिटी है जो कि उसको हॉट शॉर्टनेस वाली प्रॉपर्टी देती है जैसे कि सल्फर, तो उसमें सॉलिडिफिकेशन क्रैकिंग आ सकता है। दूसरा है अनफेवरेबल वेल्ड बिट शेप, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, इसी के लिए लोग कहते हैं कि चैप्टर 17 आप पढ़ाइए, क्योंकि इसके ऐसे तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टर्म है जो कि लोगों को समझ में नहीं आता, तो मैं इसे सिंप्लीफाई करके अभी अगले स्लाइड में बताऊंगा। फिर है हाई लेवल ऑफ रिस्ट्रेंट और टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रेजेंट इन द वेल्ड एरिया। कभी भी वो क्रैक होगा तो उसमें रेसिडुअल स्ट्रेस होगा, वही तो जो जहाँ जो एरिया हमारा वीक हो गया वहां पे रेसिडुअल स्ट्रेस होगा, तो उसको ब्रेक करेगा और क्रैक होगा। तो ये तीन चीजें जो है एक साथ एग्जिस्ट करेंगी तो सॉलिडिफिकेशन क्रैकिंग होगा। अब क्रैकिंग मैकेनिज्म समझेंगे। सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट्स एट द फ्यूजन लाइन टुवर्ड्स द सेंटर लाइन ऑफ द वेल्ड पूल। देखिए सॉलिडिफिकेशन कहाँ से शुरू होता है, ये हमारा फ्यूजन लाइन है, फ्यूजन लाइन से सॉलिडिफिकेशन शुरू होता है और धीरे धीरे सेंटर लाइन तक सॉलिडिफिकेशन होता है, सेंटर लाइन तक सॉलिडिफिकेशन होगा, मतलब हमारा ये वाला एरिया, ये जो फ्यूजन बाउंड्री वाला एरिया है, फ्यूजन वाला एरिया है, ये जल्दी सॉलिडिफाई होगा कंपेरिजन टू जो सेंटर वाला पोर्शन है उसके कंपेरिजन में। तो क्या होगा, ड्यूरिंग लास्ट स्टेज ऑफ सॉलिडिफिकेशन देयर में बी इनफ लिक्विड टू फॉर्म अ वीक जेल इन द सेंटर ऑफ द बीड। लास्ट स्टेज जो सॉलिडिफिकेशन का क्या होगा, इधर से सॉलिडिफिकेशन होता जाएगा, लास्ट स्टेज जो हमारा है सेंटर, ये जो है हमारा लास्ट स्टेज ऑफ सॉलिडिफिकेशन का, ये सबसे लास्ट में होगा। तो यहाँ पे एक वीक लिक्विड फिल्म बन जाएगा जिससे क्रैक जनरेट हो सकता है। तो ये जो वीक लिक्विड फिल्म है ये क्यों बनेगा, तो देखिए अगर केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी बराबर होंगी तो मोर और लेस ये ठंडा हो जाएगा, लेकिन होता क्या है कि इसमें इम्प्यूरिटीज जो होती है, सल्फर, सल्फर बहुत ही डेंजरस होता है, ये सल्फर यहाँ से ट्रेवल करके सब सेंटर में आ जाता है और सेंटर में आने के कारण सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, 980-980 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि स्टील का 1480। तो स्टील तो 1400 के नीचे जैसे जाएगा सॉलिडिफिकेशन शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे सॉलिडिफिकेशन जनरेट शुरू होगा इसमें रेसिडुअल स्ट्रेस जनरेट होगा, लेकिन ये तो 980 इसका
मेल्टिंग पॉइंट है, तो जब ये 980 के नीचे यहाँ पे टेम्परेचर जाएगा सेंटर में, तब तो यहाँ सॉलिडिफिकेशन होगा, तब तक यहाँ काफी रेसिडुअल स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा और यहाँ लिक्विड फिल्म ही रहेगा, तो यहाँ से क्रैक डेवलप हो जाएगा। तो ये चीज है, ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन टेंसाइल स्ट्रेसेस स्टार्ट टू बिल्ड अप ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सॉलिड पार्ट्स ऑफ द वेल्ड बिट, एंड दीज स्ट्रेसेस कैन कॉज द वेल्ड बिट टू रप्चर। यही चीज जो मैंने बताया वही सेम लाइन है ये चीज। अब देखिए हाउ टू प्रिवेंट सॉलिडिफिकेशन क्रैकिंग, तो सॉलिडिफिकेशन क्रैकिंग हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो अवॉइड लो मोल्टिंग पॉइंट कॉन्टेमिनेंट्स। अभी तक जो मैं बोल रहा था सल्फर, वो यहाँ लिखा है कि जो लो मोल्टिंग पॉइंट स्टील में कॉन्टेमिनेंट्स है या वेल्डिंग में कॉन्टेमिनेंट्स आते हैं उसे हम अवॉइड करेंगे। सल्फर का देखिए, सल्फर की मेल्टिंग 980 डिग्री सेल्सियस से ही शुरू हो जाती है। कॉपर भी एक इम्प्योरिटी है, कॉपर की जो मेल्टिंग है वो 1100 डिग्री सेल्सियस पे शुरू हो जाती है, जबकि स्टील की मेल्टिंग पॉइंट 1400 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे ही वेल्डिंग का टेम्परेचर 1400 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, वो तो स्टील तो सॉलिडिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब तक अगर उसमें सल्फर है तो जब तक वो 980 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होगा उसका टेम्परेचर, वो सॉलिडिफाई नहीं होगा, और तब तक स्टील में बहुत रेसिडुअल स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा और ये लिक्विड ही रह जाएगा, तो वहां से वीक फिल्म बन जाएगा, क्रैक जनरेट हो जाएगा। तो यही है इसका मैकेनिज्म। द इम्प्योरिटीज लाइक सल्फर कॉजेस हॉट शॉर्टनेस, हॉट शॉर्टनेस का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया और इसके ये कारण भी मैंने आपको सारे बता दिए। अब इसका जो दूसरा था, देखिए अनफेवरेबल बीड शेप, तो अनफेवरेबल बीड शेप क्या होता है, बीड शेप वेल्डिंग का एक तो विड्थ होगा, W लिखा है मैंने यहां, और ये एक वेल्डिंग का डेप्थ होगा। तो ये वेल्डिंग का विड्थ और डेप्थ के रेशियो में ही सारा खेल है। अगर विड्थ डेप्थ के 2 times से कम होगा, मींस विड्थ लेस देन और इक्वल टू 2D, ये विड्थ है और ये डेप्थ है, ये डेप्थ है और ये विड्थ है, तो इफ विड्थ इज लेस देन 2 times D वो अनफेवरेबल वेल्ड बिड हो जाएगा। अगर वेल्डिंग का विड्थ डेप्थ के 2x से ज्यादा है, कम है, तो वो अनफेवरेबल वेल्ड बिड होगा और सॉलिडिफिकेशन क्रैकिंग होगा। इसमें देखिए क्या होता है, ये पतला हो जाएगा, विड्थ कम हो जाएगा और ये डेप्थ ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज है ये बीच में फंस जाएंगी, यहाँ बीच में ये थोड़ा थोड़ा ऊपर आएंगे और बीच में फंस जाएंगी इम्प्योरिटी, जैसे सल्फर या कॉपर, तो यहाँ सॉलिडिफिकेशन क्रैकिंग होगा। लेकिन अगर विड्थ 2D से ज्यादा है, मतलब ये जो वेल्डिंग का विड्थ है, वेल्डिंग का विड्थ वो डेप्थ के 2x से ज्यादा है, मतलब विड्थ ज्यादा है और डेप्थ कम है, तो क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज है ना, इम्प्योरिटीज ये ऊपर आ जाती है, ये एक सबसे बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक्स है, इम्प्योरिटीज ऊपर सरफेस पे आ जाती है, मतलब बीच में नहीं फंसती, बीच में नहीं फंसती, तो ये सॉलिडिफिकेशन जल्दी हो जाता है और क्रैक डेवलप नहीं होता है। तो ये फेवरेबल और अनफेवरेबल बीड शेप का मतलब है।